पढ़कर भूल जाना एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से न केवल स्टूडेंट परेशान रहते हैं बल्कि उनके माता पिता भी चिंता में रहते हैं। अगर आप भी इसी वजह से परेशान हैं तो आज मैं आपको पढ़ने से जुड़ी 6 ऐसी आदतें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप पढ़ा हुआ सब कुछ याद रख पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सब कुछ याद रखने के लिए इन बातों को जरूर अपनाइए, और अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे सकें और उनकी मदद कर सकें। हम बात करें उन 6 आदतों की जिनको अपनाकर आप पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं, तो उसमें पहली आदत है ऊंची आवाज़ में पढ़ना। अगर आप अपना पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ते वक्त ऊंची आवाज़ में पढ़िए। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने एक खोज में पाया कि अगर आप पढ़ते हुए जोर से बोलते हैं तो आपको वो सब याद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को ये लगता है कि वो जानकारी अलग अलग तरीकों से मिल रही है, और वही कारण है कि आपको ज़्यादा याद रहता है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ा हुआ भूलना नहीं चाहते तो पढ़ते हुए ऊंची आवाज़ में पढ़िए। इस तरीके के फायदे ये भी होते हैं कि आपको नींद नहीं आती और आपके मम्मी पापा को इस बात का यकीन होता है कि आप पढ़ ही रहे हैं, सो नहीं रहे और कुछ और नहीं कर रहे। साथ ही आपका पूरा फोकस भी पढ़ाई पर रहता है जिसके कारण आपको पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए दूसरी आदत है कसरत को अपने रूटीन में शामिल कर लेना। अब यहाँ मैं आपको जिम में मशीनें तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बस थोड़ी सी कसरत भी काफ़ी है। ये थोड़ी सी कसरत पुशअप हो सकती है, वॉक करना हो सकता है, रनिंग हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ना हो सकती है, रस्सी कूदना हो सकता है, या कोई और कसरत हो सकती है जो भी आप कर सकें। जब आप कसरत करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, और इन फायदों में पहला फायदा होता है दिमाग का शांत होना जो कि आपको याद रखने में बहुत मदद करता है। साथ ही आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है जो कि आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने में मदद करता है, और इससे आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलती है जिससे दिमाग तेज चलने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ आसानी से याद रहे तो थोड़ी सी कसरत जरूरी है मेरे भाई, जरूरी है। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी खाना खाने की आदत डालिए। हेल्दी खाने से आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आपको पढ़ते हुए नींद नहीं आती। साथ ही हेल्दी खाने से आपको डिप्रेशन और तनाव में भी कमी मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ा हुआ याद रहे तो अपने खाने में से जंक को निकाल कर फेंक दीजिए और हेल्दी खाने को शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से पढ़ने और सब कुछ याद रखने के लिए आपको पढ़ने के साथ साथ ब्रेक को भी बहुत वैल्यू देनी होगी। देखिए दोस्तों, ये बात तो बस वहम है कि हम हमारे दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को मिलने वाली टोटल एनर्जी का 20% खर्च करता है। मतलब यह है कि आपका दिमाग बहुत तेजी से थक भी जाता है, और इसलिए आपको अपने पढ़ने के लिए 30 मिनट का ब्लॉक बनाना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको 30 मिनट तक पढ़ना चाहिए, उसके बाद 10 मिनट का गैप देना चाहिए। इस गैप में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर उतरना या फिर उठकर पानी पी लेना। बेसिकली आपको अपनी जगह से हट जाना चाहिए और कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और उसके बाद वापस आकर के फिर से पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग को आराम मिल जाता है, आपके दिमाग पर स्ट्रेस कम होता है, और आप जो भी पढ़ते हैं वो आसानी से आपको याद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहे और आपका दिमाग तेज चले, तो आपको अच्छी नींद लेने की आदत भी डालना ही होगी, और वो भी रात में। जी हाँ, आप में से कई लोगों को रात्रि जागरण करके पढ़ने की आदत होगी, लेकिन अगर आप पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दिन में पढ़ें और रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद का मतलब है आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, जो कि आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद करेगा। सब याद रखने के लिए जो 6ठी और आखिरी आदत आपको अपनाना है वो है शांति से पढ़ना। इसका मतलब है ना गाने सुनते हुए पढ़ना, ना फोन को साथ में रखकर पढ़ना, ना किसी शोर के बीच पढ़ना, और ना ही किसी दोस्त के साथ पढ़ना। आप ये कह सकते हैं कि गाने सुनते हुए रिलैक्स होता है, फ़ोन पर आपको हेल्प मिल जाती है, या दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी अच्छी हो जाती है। यकीन जानिए दोस्तों, ये बहुत बड़े झूठ हैं, और अगर आप पढ़ा हुआ सब याद रखना चाहते हैं तो आपको शांति से पढ़ने की आदत डालना होगी, तभी आप कुछ याद रख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कि वो कौन सी 6 आदतें हैं जिनको अपना घर आप पढ़ा हुआ आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें पहली आदत है ऊंची आवाज़ में पढ़ना, दूसरी आदत है रोज़ थोड़ी सी कसरत करना, तीसरी आदत है हेल्दी खाना खाना, चौथी आदत है ब्रेक लेकर पढ़ना, पांचवी आदत है कम से कम 7 घंटे की नींद लेना, और 6ठी आदत है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना। तो उम्मीद करता हूँ आप इन आदतों को अपनाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी सब याद रख पाएं। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहाँ भी आप शेयर करना चाहें वहाँ पर, ताकि उन बच्चों की मदद हो सके। तो अब आप वीडियो को लाइक करिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए, इसे शेयर करिए सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।